हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग को कैसे स्टोर करते हैं डेटा स्ट्रक्चर में। तो देखिए, स्ट्रिंग को स्टोर करने के जनरली तीन तरह के स्ट्रक्चर फॉलो होते हैं। देर आर थ्री टाइप और यू कैन से थ्री टेक्निक और यू कैन से थ्री मेथड टू स्टोर द स्ट्रिंग्स। एक तो होता है आपका फिक्स्ड लेंथ स्ट्रक्चर, वन इज कॉल्ड फिक्स्ड लेंथ स्ट्रक्चर। सेकंड जो होता है वो कहलाता है वेरिएबल लेंथ स्ट्रक्चर, वेरिएबल लेंथ स्ट्रक्चर विद फिक्स्ड मैक्सिमम, विद फिक्स्ड मैक्सिमम। ठीक, इसमें मैक्सिमम लेंथ जो है स्ट्रिंग की फिक्स कर दी जाती है। और थर्ड जो होता है वो होता है लिंक्ड स्ट्रक्चर, लिंक्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक, ये तीन तरीके से स्ट्रिंग को स्टोर किया जाता है। यानी कि अब इसमें हम वन बाय वन जैसे पहले की बात करते हैं, फिक्स्ड लेंथ स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, वो रिकॉर्ड ओरिएंटेड होता है। यानी दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड ओरिएंटेड फिक्स्ड लेंथ स्ट्रक्चर, फिक्स्ड लेंथ स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि इन फिक्स्ड लेंथ स्टोरेज ईच लाइन ऑफ प्रिंट इज व्यूड एज ए रिकॉर्ड वेयर ऑल रिकॉर्ड्स हैव द सेम लेंथ। मतलब कि इसमें हर एक लाइन जो प्रिंट होनी है आपकी वो एक रिकॉर्ड की तरह कंसीडर की जाती है और सारे रिकॉर्ड्स की लेंथ सेम होती है। मतलब क्या हुआ कि ईच रिकॉर्ड एकोमोडेट्स द सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। सिंस डाटा आर फ्रिक्वेंटली इनपुट ऑन टर्मिनल्स विद 80 कॉलम इमेजेस और यूजिंग 80 कॉलम कार्ड्स, वी विल अज्यूम आवर रिकॉर्ड्स हैव लेंथ 80 अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। ठीक है, तो जनरली जो प्रिंटिंग होती है वो 80 कॉलम्स में होती है, इसलिए हम इसको 80 कॉलम ही मान, 80 कैरेक्टर्स ही मान के चलते हैं। ठीक है, अगर किसी प्रॉब्लम में मेंशन किया हुआ तो बात अलग है, अदरवाइज इसको हम 80 कैरेक्टर ही मान के चलते हैं फिक्स्ड लेंथ। अब फिक्स्ड लेंथ में फ़ायदा क्या होता है कि देखिए, अब इसको समझने के लिए आप क्या कीजिए, आप सिंपली एक एग्जाम्पल ले लीजिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि फिक्स्ड लेंथ स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए, सपोज दैट इनपुट कंसिस्ट ऑफ ए फोर्ट्रॉन प्रोग्राम यूजिंग ए रिकॉर्ड ओरिएंटेड फिक्स्ड लेंथ स्टोरेज मीडियम, द इनपुट डाटा विल अपीयर इन मेमोरी। ठीक है, वेयर वी अज्यूम दैट 200 इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, इसमें हम ये मान के चलते हैं कि 200 इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ए प्रोग्राम। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई एक फोर्ट्रॉन प्रोग्राम है, अब फोर्ट्रॉन में आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, या कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए। तो सपोज कीजिए हमने कहा कि ये कोई हमारा फोर्ट्रॉन प्रोग्राम है, ये हमने लिखा सी। ठीक है, कॉलम प्रोग्राम प्रिंटिंग टू इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसमें हमने लिखा कि प्रोग्राम प्रिंट कर रहा है दो इंटीजर को इंक्रीजिंग। तो देखिए, इसमें पहले हमको जो स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर करना है वो हम लिखते हैं यहाँ पे से। सपोज कीजिए ये प्रोग्राम हमने लिखा, ये पहले कॉलम में हमने लिखा सी, जैसे फोर्ट्रॉन प्रोग्राम लिखा जाता है। फिर हमने लिखा प्रोग्राम, प्रिंटिंग टू इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, प्रिंटिंग टू इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, फिर सेकेंड लाइन में हमने लिखा रीड, सॉरी ये लिख दिया हमने। अब उसके बाद हमने कंडीशन लगाई, इफ
जे इज इफ, ये देखिए ये फोर्ट्रॉन प्रोग्रामिंग जिसको आती होगी उसको तो समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज इसको सिंपल इंग्लिश की तरह बाकी लोग समझ लें। इफ जे इज लेस देन और इक्वल टू, फिर डॉट लगाया हमने के, देन ठीक है प्रिंट जे कॉमा के, ये हो गया। एल्स ये के हो गया, एल्स प्रिंट स्टार के कॉमा जे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे इफ स्टेटमेंट एंड कर दीजिए, तो हमने कहा एंड इफ, और उसके बाद स्टॉप करेंगे और फिर एंड करेंगे, तो उसके बाद लिख दीजिए स्टॉप और एंड, फिर हमने लिख दिया उसके बाद नेक्स्ट लाइन में स्टॉप और एंड, यहाँ पे ये सी ये फोर्ट्रॉन का प्रोग्राम एंड हो गया। अब क्या करेंगे कि मान देखिए इस फोर्ट्रॉन प्रोग्राम को यूजिंग ए रिकॉर्ड ओरिएंटेड फिक्स लेंथ स्टोरेज मीडियम द इनपुट डाटा विल अपियर इन मेमोरी। अब ये जो फोर्ट्रॉन प्रोग्राम है और स्टार्टिंग हमने क्या माना है 200 से, तो अब क्या होगा कि ये प्रोग्राम जो मेमोरी में स्टोर होगा वो किस तरह स्टोर होगा, तो वो इस तरह स्टोर होगा। मान लीजिए ये आपने पहली लाइन बनाई, ठीक है, फिर उसके बाद ये दूसरी लाइन हो गई, फिर ऐसे ही ये तीसरी लाइन हो गई, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे ही हमने कहा कि लास्ट लाइन यहां पे आ गया, ठीक है। ये अब इसमें क्या होगा, जो स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, मान लीजिए ये आपके डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए हमने ये स्टार्टिंग एड्रेस क्या दिया हुआ प्रोग्राम में कि 200 से स्टार्ट हो रहा, तो यहां रखा हमने 200, और चूंकि 80 कॉलम हमने लेंथ माना है तो ये आपका जाएगा यहाँ पे 200 से स्टार्ट हुआ 289 तक, 279, फिर ये स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 280 से, ठीक, फिर ये वाली लाइन स्टार्ट हो जाएगी 360 से, और फिर ये वाली लाइन स्टार्ट हो जाएगी, इसी तरह करेंगे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 840 से, ठीक, मतलब 80-80 कॉलम की लाइंस रहेंगी। तो अब इसमें क्या होगा कि 200 पे क्या स्टोर हो जाएगा, 200 पे स्टोर हो जाएगा मान लीजिए सी, फिर सपोज कीजिए उसके बीच में 3 और 2 5, तो 3 और 2 5 कॉलम का ये गैप है, उसके बाद फिर हो जाएगा यहाँ पे प्रोग्राम, ठीक, तो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये गैप के बाद ये लिखा प्रोग्राम, ठीक, फिर एक गैप के बाद क्या लिखा है प्रिंटिंग, ये एक गैप के बाद फिर यहाँ से लिखा आएगा प्रिंटिंग, मतलब पूरी लाइन जो है आपकी जहाँ तक भी आती है इसमें ये पी आर आई एन टी आई एन जी, ये हो जाएगा इस तरह प्रिंटिंग, ठीक, फिर ऐसे ही फिर स्पेस दे के फिर ऐसे ही अपना लिखता जाएगा, उसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट लाइन जो आएगी तो नेक्स्ट लाइन आपकी आ जाएगी मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 के बाद 7 से, यहाँ से तो नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा रीड, तो 3 पहले 6 कॉलम फोर्ट्रॉन में छोड़ देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा रीड, ठीक, फिर स्पेस दे के एस्टरिस्क, फिर आ जाएगा कॉमा, तो ये इस तरह से नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, फिर ऐसे ही इफ वाली लाइन आएगी आपके बीच में, तो फिर ये आ गया मान लीजिए यहां पे आ गया
if comma j dot less than equal to dot k, और इस तरह ये लाइन आ जाएगी। यानी सारी लाइन जो है वो आपकी 80 कॉलम की लेंथ की रहेगी, और ऐसी लास्ट में यहाँ पे जो लास्ट लाइन आ रही है आपकी वो यहाँ पे आ जाएगा आपका एंड। तो ये आपने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बाद यहाँ आपने लिख दिया एंड। इस तरह से ये प्रोग्राम स्टोर होगा मेमोरी के अंदर। अब इस स्ट्रिंग स्टोरिंग के फिक्स लेंथ स्ट्रक्चर के एडवांटेज क्या है, तो पहले तो आप इसके एडवांटेजेस समझ लीजिए कि इस तरह प्रोग्राम अगर हम स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं तो इसके एडवांटेजेस क्या है। पहला तो एडवांटेज ये है कि द ईज ऑफ एक्सेसिंग डाटा फ्रॉम एनी गिवन रिकॉर्ड, मतलब एक्सेसिंग ऑफ डाटा, किसी डाटा को एक्सेस करना, एक्सेसिंग ऑफ डाटा इज ईजी, ठीक। सेकेंड क्या है कि द ईज ऑफ अपडेटिंग डाटा इन एनी गिवन रिकॉर्ड, यानी अपडेटिंग डाटा भी इसमें आसान है, अपडेटिंग डाटा इज इजी इन एनी गिवन, किसी भी रिकॉर्ड में। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है। तो इस तरह से अगर आप स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे तो उसमें डिसएडवांटेजेस क्या है वो भी आप जान लीजिए। पहला जो डिसएडवांटेज है जो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि टाइम वेस्टिंग, टाइम इज वेस्टेज रीडिंग एन एंटायर रिकॉर्ड इफ मोस्ट ऑफ द स्टोरेज कंसिस्ट ऑफ इन एसेंशियल ब्लैंक स्पेसेस। तो अब मान लीजिए जैसे लास्ट लाइन हमने लिखी थी एंड वाली में खाली 3 करेक्टर हैं ई एंड डी, लेकिन कंप्यूटर जो रीड करेगा वो पहले कॉलम से वो 80 कॉलम तक रीड करने में टाइम लेगा। तो एक तो पहला तो हो गया इसमें टाइम वेस्टिंग होती है। दूसरा क्या है कि सर्टेन रिकॉर्ड्स में रिक्वायर मोर स्पेस देन अवेलेबल, ठीक है, कुछ रिकॉर्ड जो है वो उनके लिए मोर स्पेस की जरूरत पड़ती है। कोई लाइन है जरूरी थोड़ी वो 80 कॉलम के अंदर ही आ जाए, हो सकता है उस लाइन की लेंथ 150 करेक्टर हो सकता है 200 करेक्टर हो, ठीक है। तो उस केस में मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर मैनी रिकॉर्ड्स, उस केस में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक। और तीसरा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि व्हेन द करेक्शन कंसिस्ट ऑफ मोर और फ्यूअर कैरेक्टर्स देन द ओरिजिनल टेक्स्ट, चेंजिंग ए मिसस्पेल्ड वर्क रिक्वायर्स द एंटायर रिकॉर्ड टू बी चेंज। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, व्हेन द करेक्शन कंसिस्ट ऑफ मोर और फ्यूअर कैरेक्टर्स देन द ओरिजिनल टेक्स्ट, मान लीजिए ओरिजिनल टेक्स्ट में हमने लिखा प्रिंट लिखना था, हमने PRIT लिख दिया गलती से, तो अब क्या होगा कि जब इसका करेक्शन हम करेंगे तो ये जो मिस स्पेल्ड वर्ड है उसको चेंज करने के लिए, चेंजिंग ए मिस स्पेल्ड वर्ड रिक्वायर द एंटायर रिकॉर्ड टू बी चेंज, तो अब इसको करने के लिए क्या होगा कि ये पूरा PRT हटेगा और दोबारा से फिर PRINT स्टोर होगा, ठीक। तो ये इसके डिसएडवांटेज है अगर हम फिक्स लेंथ स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो। अब इसमें कुछ चीज और ध्यान देने वाली है, वो ये है कि मान लीजिए, इसको नोट में आप डाल सकते हैं कि मान लीजिए इफ वी वांटेड टू इंसर्ट ए न्यू रिकॉर्ड इन दिस फोरट्रॉन प्रोग्राम एग्जांपल, दिस वुड रिक्वायर दैट ऑल सक्सेसिंग रिकॉर्ड्स बी मूव टू द न्यू मेमोरी लोकेशन। However, this disadvantage can be overcome, but it is the disadvantage lying with this structure. तो मान लीजिए अगर हमें कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो ये पूरा जो हमने प्रोग्राम स्टोर किया है 200 मेमोरी लोकेशन से, इसको यहाँ से उठा के फिर आपको किसी नई मेमोरी लोकेशन पे पूरा प्रोग्राम फिर से आपको स्टोर करना पड़ेगा, तब आप नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है फिक्स लेंथ स्ट्रक्चर में अगर हम स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और इसके जो बाकी जो दो बचे हुए स्ट्रक्चर है, वेरिएबल लेंथ स्टोरेज विद फिक्स मैक्सिमम और
जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर आपको बताया था कि लिंक्ड स्ट्रक्चर, उसको हम लोग आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।